हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के द्वारा बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका एग्ज़ाम दोस्तों 18 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ था और 14 फरवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, कब तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको कोई भी और वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैं डेट बताने जा रहा हूँ, उसी डेट को आने की पूरी उम्मीद है। आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। उससे पहले जिन्होंने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात यह है कि जिन्होंने अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को ज़रूर दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, इस पर आपको पीडीएफ में स्कीम, ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल जितने भी अपडेट्स आते हैं आपको इस पर आपको मिलती रहेंगी। तो आपको इस टेलीग्राम को ज़रूर दोस्तों ज्वाइन कर लेना है। तो आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये फिर से सर्च नहीं करना पड़ेगा कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा उसी डेट तक ही आपका रिज़ल्ट आने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के द्वारा बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो मार्च के महीने में नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, वो दोस्तों 15 अप्रैल के बाद ही आपका रिज़ल्ट आने की पूरी उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, 15 अप्रैल तक आपका रिज़ल्ट आने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि दोस्तों, इसके पिछले साल एग्ज़ाम जो है आपका 28 जनवरी को शुरू हुआ था और 3 मार्च का आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था और जो इसका रिज़ल्ट आया था वो दोस्तों 18 मई को रिज़ल्ट आया था 2023 में। अब की दोस्तों आपका एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी शुरू हुआ, 18 दिसंबर से शुरू हुआ और 14 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था। तो दोस्तों, आपको मैं इस प्रकार बता सकता हूँ कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 अप्रैल या उसके 2-4 दिन बाद ही आपका रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। क्योंकि दोस्तों, अभी आपका आपकी कापियाँ जांची जा रही हैं, आपकी कापियाँ चेक हो रही हैं। मार्च के महीने में आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, 10 अप्रैल या 15 अप्रैल तक या उसके 2-4 दिन बाद ही आपका रिज़ल्ट आएगा। तो दोस्तों, आप लोग मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें ताकि जब आपका रिज़ल्ट आए या कोई भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से यूनिवर्सिटी से कोई भी ऑफिशियल नोटिस आए, आपको इस YouTube चैनल पर सबसे पहले आपको मिलेगी और ऑफिशियल मिलेगी। कोई भी फेक न्यूज़, कोई भी फालतू की अपडेट, फालतू की न्यूज़ आपको इस YouTube चैनल पर नहीं मिलती हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। तो आप इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों से भी इस YouTube चैनल को जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को ऑफिशियल नोटिस मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना रिजल्ट का इंतज़ार करिए। अभी आपको रिजल्ट अपना इंतज़ार करना होगा, करीब 1 महीना आपको अभी अपने रिजल्ट का इंतज़ार करना होगा और 15 अप्रैल के बाद ही आपका रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।